तरीके से आपका नाम आ रहा है, क्या आप इस चीज को निष्पक्ष जांच के लेके आप इस्तीफा दोगे? इस्तीफा नहीं, नाम किसी का आने से कोई इस्तीफा दे देता है? किसी का नाम, आपका नाम कहीं कोई ले लेगा तो क्या इस्तीफा दे देंगे अपने चैनल से? सरासर गलत है, मतलब स्वाभाविक रूप से पूरी तरीके गलत है। ये घटना 20/6/2017 को उसकी पत्नी आशा सिंह ने लिखाई थी अपनी लड़की की भागने की, और उसकी FIR की कॉपी है। और ये व्यक्ति एक साल से व्हाट्सएप, ट्विटर पे, फेसबुक पे ये तमाम चीज़ें 9 महीने से भेज रहा, बलात्कारी विधायक कुलदीप सिंह, उन्नाव में मानिक के आगमन पर कुलदीप सिंह, और ये काम विगत 9 महीने से व्यक्ति कर रहा है। ये महेश सिंह नामक एक व्यक्ति है जो मास्टरमाइंड है, जो इस लड़की का चाचा है, वो दिल्ली रहता है, और 2005 में वो व्यक्ति माखी गांव से भागकर दिल्ली चला गया था। उसके खिलाफ 16 आपराधिक मुकदमे हैं। मंशा क्या है सर इसके पीछे? मंशा केवल कुलदीप सेंगर की बदनामी करने की है। जो लोग हमारी लोकप्रियता से, हमारे काम करने के तरीके से, और जो हमारा गरीब कमजोर लोगों से लगाव है, स्वाभाविक रूप से इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी का किसी आदमी का नाम चाहेंगे कि कोई आपके ऐसा है? कौन करेगा? मैंने आज तक राजनीति झंझावतों से घिर कर दी है। मैं पहला चुनाव 2002 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मेरे खिलाफ एक साजिश की गई थी कि एक अपहरण करा लिया गया सतीश राजपाल गुल्लू बाबू भट्टे वाले के लड़के का। अरे भैया गलती से गिर गया, गुल्लू बाबू भट्टे वाले के लड़के का अपहरण कर लिया गया, और हवा ये प्रचारित की गई कि कुलदीप सेंगर के पास पैसे खत्म हो गए हैं और कुलदीप सेंगर ने अपहरण करा लिया। लेकिन मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, जहां से भी चाहे वहां से जांच हो जाए, जो दोषी हो उच्च स्तरीय जांच। सर आपके ऊपर जो रेप का मामला है उसमें अभी तक कोई जांच नहीं हुई है? स्वाभाविक रूप से हमारे नहीं नहीं कोई किसी ने नहीं बुलाया, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई जांच नहीं की है। स्वाभाविक रूप इसकी पूरी जांच हो चुकी है, रेप का कोई मामला ही नहीं है। मामला है किसी को अपमानित करने का, किसी को बदनाम करने का। जब एक लड़की, उसकी माँ, उसका परिवार 20/6 को FIR लिखाता है, और FIR की ये कॉपी है, एक मिनट में देता हूँ आपको, ये मुकदमा 20/6 को, इसकी कॉपी आप लोग कर लीजिए। श्रीमती आशा सिंह ने ये मुकदमा लिखवाया था, पुलिस ने इसकी विवेचना की, लड़की को बरामद किया। एक मिनट हमको कॉपी दे दो, सब ले लोगे तो। लड़की को बरामद किया, 376 में ये मुकदमा दाखिल हुआ, पूरी कार्रवाई हुई। मैं दोषी केवल एक चीज़ से हो गया, उन लोगों ने वहाँ पर उसकी माँ, इसकी मैंने एक उसने शुभम सिंह की माँ और शुभम सिंह की बहन को निर्दोष फंसाने का काम उसने 164 के बयान में किया। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, लोगों की मदद करने का काम करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैंने पुलिस से निष्पक्ष विवेचना के लिए कहा था, ये मेरा दायित्व भी बनता है और मुझे अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। पुलिस जिस दिन से ये नौ महीने से ये व्यक्ति रोज मेरे खिलाफ अप्लीकेशन देता है, और एक 4/6 की घटना झूठी बनाकर, मनगढ़ंत घटना बनाकर, जब 11/6 को इसकी बिटिया गायब हुई, 20/6 को इसने बयान दिया, तो 4/6 का स्वरूप कहाँ से पैदा होता है? 4/6 का कोई स्वरूप नहीं पैदा होता, कोई बलात्कार का आरोप नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। और कौन करने के लिए ऐसा है, उनको लाया गया था, कौन लाया था? मेरा कहना है उसी बात की जांच आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं, इसी बात की जांच होनी चाहिए कि कौन लोग उनको लाए थे, उनके मोबाइल नंबर, उनके टेलीफोन नंबर, उनकी सारी चीजों की जांच हो जाए। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी। आपके हत्या का भी आरोप लगा है। विरोधी हैं तो आप खुल के क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो कौन लोग थे, किस पार्टी के लोग थे? नहीं नहीं कोई पार्टी के लोग ऐसा है, वो अपराधियों का एक गिरोह है, किसी पार्टी के लोग नहीं है, किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं, वो अपराधी है। अपराधियों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, वो अपराधी है, अपराधियों ने ये कृत्य किया है, और ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर। नहीं नहीं ना सीएम से मिलने आए, ना सीएम ने बुलाया है, स्वाभाविक रूप से हमारे नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, मैं 4 बार का विधायक हूं।